students, welcome to our channel, all of our NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम लोग क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आपकी जो बुक है उसका अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म वाले चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज करने वाले हैं, उससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप ही लोगों को भी बताते रहूँगी कि इससे क्या शॉर्ट आंसर निकलना है। तो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ पूरे वीडियो में आपका रिविजन होने वाला है, क्वेश्चन आंसर से लेकर पूरी बुक के चैप्टर की रीडिंग होने वाली है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंडर 45 मिनट्स आई एम गोइंग टू कवर अप दिस चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे है, सबसे पहले दिया है, इमेजिन योर सेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। सपोज दैट despite being a US citizen, no one is willing to rent their houses to you. अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक हिंदू या मुस्लिम हैं जो कि एक पार्ट में रहना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि US में, और USA या US का जो भी है, ठीक है, वे क्रिश्चियन, जहाँ पे जो क्रिश्चियन ज़्यादा, क्रिश्चियन वाले जो लोग हैं यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा हैं, तो आपको और आप वहाँ पे जाते हो, आप लोग, कोई भी आपको रेंट अपना हाउस देने को तैयार नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू बैक टू द इंडिया। आपने सोचा कि ठीक है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जाता हूँ कंप्लेन करता हूँ, बट अगर आपको इंडिया भेज दिया गया फिर से तो आप क्या करोगे, ठीक है। वर्ल्ड डज नॉट मेक यू फील एंगर बाय सेइंग क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी। दिस फॉर्म ऑफ रेशन, जब आप ऐसी चीज़ अपने साथ देखते हो तो आपको लगता है कि क्रिश्चियंस जो लोग हैं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम वाले लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस को भी ऐसे करना चाहिए, वहाँ पर उनके साथ भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपको गुस्सा आता है ना, तो आप ऐसे ही सोचते हो, ठीक है। द नेक्स्ट अदर और माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड और माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against on grounds of their religion practices and belief. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to the religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter we will read more about this. तो अभी हम लोग पढ़ने, आप तो आप लोग ये भी सोचोगे कि हम सबको इक्वली जो है ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ऐसा, तो तब हमारे बीच आता है एक शब्द जिसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या होता है, कैसे सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है और सेकुलरिज्म क्यों फॉलो होना चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। द चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव टेकन द चैलेंज दैट आई विल कवर दिस चैप्टर इन 45 अंडर 45 मिनट्स, which means that all the question answers, all the short answers that we are going to make from this chapter is only going to be under 45 minutes, okay? History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. जो हिस्ट्री होती है वो हमें प्रोवाइड करती है क्या, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और पर्सिक्यूशन इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. तो ये तो आपने सुना ही होगा कि कैसे जो Jews थे उनको persecute किया गया था in Hitler's Germany में, और बहुत सारे जो millions में लोग थे वो मारे गए थे। Now, however, Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minority quite badly. तो खुद अपने वहाँ की मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बहुत गंदी तरह ट्रीट करते हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेंपल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन टेक गैदर इन द पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर्स।
तो सऊदी अरेबिया में क्या है, नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम लोग नहीं हैं उनको टेंपल बनाने के लिए नहीं दिए जा सकती है इजाज़त और ना ही चर्च, और वो जो है कहीं भी गैदर नहीं हो सकते पब्लिक प्लेस में प्रेयर्स के। ये जो ऊपर के एग्जांपल है आपको क्या शो कर रहे हैं, दैट मेंबर ऑफ वन रिलीजियन कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा है अदर रिलीजन जो है उनके बीच में। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजिली व्हेन वन रिलीजन गिवन ऑफिशियल रिकग्निशन बाय द स्टेट इन द एक्सपेंसेस ऑफ देयर रिलीजन। तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक रिलीजियस ग्रुप को हम पावर दे देते हैं कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सके, तो इससे क्या होगा उसके पास पावर आ जाएगी और वो जो और अदर रिलीजियस ग्रुप है उनको डिस्क्रिमिनेट करते रहे, राइट। सो क्लियरली नो वन विश टू डिस्क्रिमिनेट अदर बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन इन इंडिया। कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन सिटीजन्स को उनके रिलीजन के बेस पर। लेट्स तो व्हाट इज सेकुलरिज्म, सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेनेनी ऑफ मेजोरिटी। तो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि कैसे जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे राइट जो कि आपके बेसिक नेसेसिटीज होती है। तो आपके पास क्या था, राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, कल्चरल एजुकेशन राइट्स थे और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था। तो ये छह राइट्स आप लोगों के पास है तो आपके फंडामेंटल राइट्स है, राइट। आपने देखा था कि फिर से फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग स्टेट पावर से अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ट्रेनरी से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो मेजोरिटी के पास है। नेक्स्ट आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस दे इंटरप्रेट दीज। तो अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको ये भी अलाउ करता है कि वो जो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं वो कर सकते हैं, जो रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, वो जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट कि आपका इन कीपिंग विद दिस एरिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो भाई यही सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया था उसने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई थी किसको सेपरेट करने के लिए, जो रिलीजन पावर है और स्टेट पावर को सेपरेट करने के लिए। सेकुलरिज्म रिफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, पहला शॉर्ट आंसर हमें इस चैप्टर से मिल रहा है डियर स्टूडेंट, प्लीज़ राइट इन योर नोटबुक। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या मिलता है, शॉर्ट आंसर टॉपिक डालो अपनी नोटबुक में सब लोग, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस लिखो या एक्ट लिखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड। अच्छा ये नहीं, ये लिखो व्हाट रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, प्लीज़ राइट दिस प्रोसेस। ये तो मैं साइंस के शब्द में आ गई ना, तो आप लोग लिखोगे कि What refers, क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट आप, मैं साथ में बोलते जा रही हूँ, what refers to the separation of religion from state, ठीक है लिख लिया होगा सबने। आंसर क्या है, सेकुलरिज्म, क्या है सेकुलरिज्म आपका आंसर आ गया इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सबको दिख गया होगा। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट आपका सेकुलरिज्म क्या है, सिंपल सी चीज़ है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। नेक्स्ट आता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों है इंपॉर्टेंट कि हमें एक रिलीजन को स्टेट से अलग करना है, क्या है ऐसी चीज़। एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज
इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर. सबसे ज़्यादा मुख्य एक्सेप्ट जो है सेकुलरिज्म का वो यही है कि आपको रिलीजन को सेपरेट करना पड़ेगा स्टेट पावर से. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल बी मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी. इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैड एक्सेस टू द स्टेट पावर then it could quite easily use its power and financial resources to discriminate against and persecute the person of other religion. तो अब क्या होगा दी स्ट्रेन. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो सारी कंट्री हैं वर्ल्ड में उनके पास एक से ज़्यादा रिलीजन है, जो लोग उनमें रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा रिलीजन. तो अगर इनमें से एक ना एक रिलीजन ऐसा होता ही है जो मेजॉरिटी में होता है. अगर ये मेजॉरिटी वाला रिलीजन को हम लोग स्टेट पावर दे दें तो क्या होगा, ये स्टूडेंट स्टेट पावर मिल जाएगी तो क्या करेगा, ये स्टेट पावर का गलत यूज़ कर सकता है. क्या 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 गलत यूज़ कर सकता है ये स्टेट पावर का, दे कैन यूज़ स्टेट पावर टू डिस्क्रिमिनेट अदर पीपल. यानी कि जो और पीपल हैं, जो और अलग अलग रिलीजन के पीपल हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए वो स्टेट पावर का इस्तेमाल कर सकता है ना, या अपने ही रिलीजन की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ठीक है. तो आप देखो, द ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. कोरिएशन क्या होता है, कोरिएशन डिस्टर आपका कुछ नहीं होता, कोरिएशन आपकी एक सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है. कोरिएशन आपकी बुक में भी दिया है, मैं भी बता देती हूँ. द फोर्स समथिंग टू, तो इट रिफर्स टू द फोर्स यूज बाय द लीगल अथॉरिटी, राइट स्टेट. ऐसी फोर्स जो लीगल अथॉरिटी यूज़ करती है, कोर्शन. एंड एट द टाइम इवन किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी, तो ये वो कर सकती है, ठीक है. तो आप लोग एक सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है. हु आप सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हो. द ट्रेनरी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन वॉट. What could be the result of trinary of majority? अगर majority group को हम state power देते तो क्या होगा, ठीक है. यह आपका question हो सकता है DS में, तो answer आपका simple सा आएगा इसमें भी, ठीक है. तो next आते हैं, the majority could quite easily prevent minority from practicing their religion. अगर majority group है तो आराम से जो minorities हैं उनको उनके religion practice करने से मना कर सकती हैं, और उनको भी कह सकती हैं कि भाई तुम भी हमारा ही religion practice करो. Any form of domination based on a religion is in violation of the rights of that the democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, a tenary of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in the democratic society. तो भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने आपको इधर तक समझा दिया था कि माइनॉरिटीज़ को किलिंग और माइनॉरिटी भी हो सकती है. अब मेजॉरिटी जो है आराम से माइनॉरिटी जो है उनसे बोल सकती है कि भाई तुम हमारा रिलीजन प्रैक्टिस मत करो, हमारे रिलीजन में आ जाओ, है ना. और ये जो फॉर्म होता है इससे वॉयलेशन क्रिएट्स होता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी रह नहीं जाती, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि सबके ख्यालियात सुने जा रहे हैं, है ना. सब ने अपने अपने लीडर्स को इलेक्ट करा है. क्यों करा है इलेक्ट, ताकि वो हमारे भी बात सुने. लेकिन अगर जो स्टेट पावर मेजॉरिटी को दी जा रही है, मेजॉरिटी अपने आप सारी चीज़ें कर रही है, तो कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो बनेगी. तो ये तो पहला रीज़न है कि अगर मेजॉरिटी को आप स्टेट पावर दे दोगे तो क्या होगा, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अदर माइनॉरिटी और अदर रिलीजियस ग्रुप जो है उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. नेक्स्ट देखो डीसरे अनदर रीज़न. सो मैं अलग अलग रीज़न लिखवाऊंगी. द फर्स्ट रीज़न टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, द क्वेश्चन नंबर टू. फर्स्ट रीज़न वाई फर्स्ट रीज़न टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. तो क्यों है, फर्स्ट रीज़न बताओ. मैंने फर्स्ट रीज़न पूछा, तो फर्स्ट रीज़न कौन सा है, फर्स्ट रीज़न ये है बिकॉज मेजॉरिटी कैन यूज देयर स्टेट पावर टू डिस्क्रिमिनेट और persecute the people
of other religion and people of their religion minorities. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी लिख लिया होगा, आंसर भी लिख लिया होगा सबने, आई होप सो. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया दूसरा रीजन. अब देखो जो अब देखो अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं दूसरा कारण क्यों हमें स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना है. यस, दूसरा कारण अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनदर रीजन दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट देयर रिलीजन एम्बेरस द अदर रिलीजन और टू हैव अ फ्रीडम टू इंटरप्रेट द रिलीजन टीचेस टीचिंग डिफरेंटली. अब देखो अनदर रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है स्टेट को उससे सेपरेट करने का, क्योंकि डेमोक्रेसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो हमें जो फ्रीडम है इंडिविजुअल का उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन. अपने रिलीजन हट रहे हैं या उनके रिलीजन को कोई एम्बेरस कर रहा है या वो दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं या दूसरे रिलीजन को एम्बेरस कर रहे हैं, ये सब हमें प्रोटेक्ट करने का. और हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट, यानी कि फ्रीडम टू इंटरप्रेट ना वो जैसा चाहे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई वो अपना रिलीजन हाथ जोड़ के ही करेंगे, वो जैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है. ठीक है, नेक्स्ट है To understand this point better, let us take the practice of untouchability. इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम untouchability का example ले रहे हैं. You might feel that you dislike this practice within. आपको लगता होगा कि भाई ये practice कितनी ख़राब है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना. तो अब देखो next देखो, Hinduism practice within Hinduism and therefore you wanted to try and reform it. However, if the state power were in hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were the part of dominant religion group. तो अब क्या आ रहा है इधर, कि इधर आ रहा है डियर स्टूडेंट आपका लिखा है देखो, फ्रीडम टू इंटरप्रेट टीचिंग डिफरेंटली था मैंने आपको पढ़ा दिया था. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे देखो आपको बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल दिया है अनटचेबिलिटी का, वो ये है कि अगर हिंदू के पास वो पावर होती दोज हैंड ऑफ इंडू, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि भाई आप उसे चेंज कर पाते बहुत ईजिली, क्या आप उसे चेंज कर पाते बहुत ईजिली, क्योंकि भाई हिंदू लोग तो सोचते थे कि भाई अनटचेबिलिटी यही है ना, तो आप उसे चेंज कर पाते क्योंकि उनके पास स्टेट पावर है ना, स्टेट पावर है कि आप उसे चेंज कर दें. इवन अदर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल्ड द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ हिंदुज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. तो अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि भाई हम डेमोक्रेसी सोसाइटी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो भाई डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए कि भाई वो अपना जैसे भी रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्यों भाई उनके काम में दखल डाल लो, क्योंकि स्टेट अलग हो जाता है और रिलीजन अलग हो जाता है. स्टेट को रिलीजन से मतलब नहीं है, अगर स्टेट रिलीजन से मतलब रखने का, अगर कोई मेजोरिटी वाले कोई हिंदू कोई रिलीजन बन गया तो आप अनटचेबिलिटी को कैसे हटाओगे, बहुत टाइम लगेगा आपको, कि वो कहेंगे भाई हमारे हाथ में तो स्टेट पावर है हम क्यों हटाएं हिंदुज़म को, है ना. तो वो तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट ये होता है, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी सो वी हैव राइट टू, वी हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट आर रिलीजन हाउ वट एवर वे वी वॉन्ट. ठीक है, सो इफ आई आस्क द सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लिखो, सेकंड रीजन टू सेपरेट religion from state. Second reason क्या हो जाएगा religion को state से separate करने का, वो ये है that we are living in democratic society. कहाँ रह रहे हैं, democratic society में रह रहे हैं. We have freedom to
we have freedom to interpret our religion, freedom to interpret our religion in whichever way we want, in whichever way we want. देखा, ये वाला आंसर भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे पहले हमने ये अच्छी तरह पढ़ लिया, अब आ जाओ यहाँ पे. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? ठीक है, अभी से 20 मिनट हुए हैं. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म पढ़ते हैं फटाफट. ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर बहुत ही अच्छी कहानी भी आने वाली है तो हम लोग पढ़ते फटाफट. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेकुलर. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ चीज़ मैंडेटेज करता है दैट इंडियन स्टेट टू बी सेकुलर, ताकि इंडियन स्टेट को माने कि इंडियन स्टेट जो है वो सेकुलर है. अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. नेक्स्ट आता है डेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. यानी कि डोमिनेटली दूसरे मेंबर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं. जैसे जाति पक्षभेद होता है ना आजकल हिंदू में तो होता है, आपके मुस्लिम्स वगैरह में हो ना हो, तो आप देखो ये चीज़ें भी नहीं करनी है. देन नेक्स्ट आता है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल. तो रिलीजियस फ्रीडम जो उनका है वो स्टेट उनसे नहीं ले सकता. मतलब अगर वो मंदिर में पूजा करने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, अगर कोई सिख पगड़ी पहन रहा है तो वो पहन सकता है. तो ये कुछ रिलीजियस सिख फ्रीडम्स हैं. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वाले में मैं क्वेश्चन एक फॉर्म कर रही हूँ. What are the things that make the Indian states secular? What are the objectives? तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4. What are the objectives which make Indian state secular? अब आंसर देखो, आंसर क्या होगा? नंबर 1 इज दिस दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स of the same religion community. हो गया सबका सम कंप्लीट. तो यहाँ पे मैं साथ साथ में क्वेश्चंस लिखवाते जा रही हूँ डियर स्टूडेंट. प्लीज़ इफ यू आर नॉट सिटिंग विद योर नोटबुक एंड पेन, प्लीज़ हैव अ नोटबुक एंड पेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम टेलिंग. ओके, नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे. द इंडियन स्टेट्स वर्क्स इन द वेरियस वेज टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डोमिनेशंस. इंडियन स्टेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है ताकि वो जो एवर डोमिनेशंस है, जैसे कि आप देख ही सक रहे हो 3 पॉइंट, इसको वो जो है प्रिवेंट कर सके. ठीक है, अब यहाँ देखो, फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंटिंग इटसेल्फ, इन सारी चीज़ों को वो डोमिनेट कर सके. ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें वो अपने वहाँ पे ला सके, इसके लिए वो डिफरेंट वेज अपनाता है. अब वो कौन कौन से वेज हैं देखो. फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंटिंग इट्सेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि अपने को रिलीजन से दूर रखने की टेक्निक.
Indian state is not ruled by the religious group or nor does it support any one religion. In India, the Indian state is not ruled by a religious group and does not support the one religion. ठीक है, ये से पहले आप हो गया. In India, government spaces like law courts. In India की बात की जा रही है. Government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to promote any one religion. उनको ये आज्ञा नहीं है कि वो एक ही रिलीजन को सपोर्ट करें या एक रिलीजन के फेस्टिवल्स बनाएं. किस चीज़ की बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है. स्टेट की बात करें ना, स्टेट गवर्नमेंट से ही निकल रहा है. ठीक है, प्राइवेट वाले जो लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं वो ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले राइट द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन स्टेट दैट इट यूजेस फॉर टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. ठीक है, राइट द फर्स्ट स्ट्रेटजी. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखो. राइट द फर्स्ट स्ट्रेटजी यानी कि कोई भी मेथड जो यूज कर रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट, डोंट कंफ्यूज इन दिस स्ट्रेटजी. इंडियन स्टेट यूजेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिलीजन और टू सेपरेट. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? आंसर ये आएगा, इट ट्राइज टू डिस्टेंसिंग इटसेल्फ. It tries to distance itself from religion. अब आप क्या लिखोगे? अब आप ये लिखोगे कि इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन ग्रुप. इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजियस ग्रुप. और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लिखोगे कि इन इंडिया गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, और फिर क्या है फिर आपका, तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड ऑफिसेस में गवर्नमेंट के ही आते हैं. ठीक है, ऑफिसेस आर नॉट अलाउ टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी होता है कंप्लीट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और आंसर लिखवा दिया है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो ताकि सारे क्वेश्चन आंसर सब क्लियर हो जाए, जिससे कि क्या हो ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को. एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं ना बच्चे, वो आप लोग ना करें. ये हमारा ऑल ओवर NCERT का मकसद रहता है. नेक्स्ट आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है, इसको फटाफट रीड करेंगे. टाइम की लिमिट बहुत कम है, सिर्फ हमारे पास बचे हैं 25 मिनट्स. ठीक है, 25 से ज़्यादा होंगे वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. इन द गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वॉन्ट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. सर, देर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन द स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर? सो अब इसके उनके सर क्या कहते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन. प्राइवेट स्कूल में डू डैट, गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजन फेस्टिवल्स इन द स्कूल परमिसेस. कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूल. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते सेलिब्रेट. ठीक है, अब यहाँ पे आता है एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल परमिसेस. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम. सो
I have never thought of it in it this way. I guess we can always celebrate it outside school. Anyway, we were planning to celebrate it in our locality. तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल आ रहा है, क्या हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो सर कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग कोई भी एक रीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। ये बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक हॉलीडेज होते हैं तो हम उन्हें घर में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उनके सर ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डू दैट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में डू डेट। तो आपका जो राइट फर्स्ट स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है उसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, दैट प्राइवेट स्कूल्स में डू डेट। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट आप लोग एग्ज़ाम में ऐड करोगे, इसके आगे डाल दो ऑप्शनल, ये आप ऐड भी कर सकते हो नहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका इन द ऑफ स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन द वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन इक्वली। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू द रिलीजियस सेलिब्रेशन, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द एवब डोमिनेशन इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि वो इंटरफेयर नहीं करता है। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजन इट डज नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में तब तक इंटरफेयर नहीं कर रहा है जब तक कोई सोशल हार्मनी नहीं हो रही है, लेकिन अगर उससे सोशल हार्मनी हो रही है देन जो आपका इंडियन स्टेट है वो इंटरफेयर करता है। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख दो फटाफट, उसने बिल्कुल भी ढीला मिला काम नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन लिखना है। राइट द सेकेंड सेकेंड स्ट्रेटेजी इंडियन स्टेट यूजेस टू सेपरेट itself from religion। क्वेश्चन क्या है, टू सेपरेट itself from religion, self from religion। तो अब सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे ये है बिकॉज ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस वाला देखो। तो यहाँ पे आता है बाय नॉन इंटरफेरेंस और फिर आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन of all religions and not interfere with religious practices। और यहाँ पे क्या आता है, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए वो कुछ एक्सेप्शंस बनाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बोर्ड दिया है, फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 34 मिनट्स हो गए डियर स्टूडेंट्स, ओनली वी हैव लेफ्ट विथ 10 मिनट्स, तो फटाफट इसको रीड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू कम अप विद कंक्लूजन, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली ब्रॉट द स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो दैट द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू हैव टू वेयर वन, व्हाई आरंट यू वेयरिंग द हेलमेट, डू यू वॉन्ट टू बी फाइन, डोंट वरी आई विल बी फाइन, Fine, I will not be fine. Hey Paramjeet, why won't you be fine? For Sikh, wearing a pagri is very important part of their religion and the government cannot force me to wear the helmet.
तो अब उनके फ्रेंड में डिस्कशन होती है कि भाई तुम लोग हेलमेट क्यों नहीं पहन के आए, उसका दोस्त कहता है, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या फ़ाइन देना है, तो उसका दोस्त कहता है जो पद सरदार होते हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं हमें फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, तो उसका दोस्त कहता है क्यों तुम्हें क्यों नहीं देना पड़ेगा, तुम स्पेशल हो क्या, वो कहते हैं फॉर सिखों के लिए जो पगड़ी पहनना होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हमें फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन द स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख योट डज नॉट हैव टू वेयर द हेलमेट, दिस इज बिकॉज द इंडियंस डिड रिकॉग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेयरिंग द पगड़ी, तुरबन इज अ सेंट्रल टू द सिख्स रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इंटरफेयर विद दिस इट अलाउ एक्सटेंशन टू द लॉ, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, What is important? तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दो, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो सबको पता है एक्सेप्शन है कि भाई सिख ये पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वे देखो, थर्ड वे है इन विच डज इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, यू हैव रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी, इफ दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर द पीपल ऑफ अ सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट द अदर मेम्बर्स ऑफ सेम लोअर कास्ट विद इन इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डोमिनेशन ऑन लोअर कास्ट, इन कॉन्स्टिट्यूशन बैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंस अनटचेबिलिटी इन द इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेयरिंग इन रिलीजन टू अदर टू एंड a social practice that believes discriminate and exclude and that violates the fundamental right of lower caste who are citizen of this country similar to ensure the laws relating to the equal inheritance rights are respected the state may have to intervene in religious based personal laws of community, theek hai personal laws of community mein kabhi kabhi इंडियन सेकुलरिज्म को आना पड़ता है, तो मैं अभी क्वेश्चंस लास्ट में बताऊंगी, डोंट वरी। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म, अच्छा द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट के फॉर्म में भी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू द रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक है, कोई अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो फंडामेंटल राइट में आ जाता है तो इसलिए वो उन्हें पैसा देते हैं। इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक, इंडियन सेकुलरिज्म इससे डिफरेंट है क्योंकि वो इंटरवेन भी कर रहा है और साथ ही साथ रिलीजन से सेपरेट भी हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जब कोई सोशल हार्म नहीं तो उस समय वो इंटरवेन कर रहा है। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू डोज ऑफ दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड्स द legislature from making laws respecting the establishment of religion or that prohibit the free exercise of the religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion nor can they give the preference to one religion. In US the separation between state and religion means then that neither the state nor religion can interfere the affair of one another. There is one significant way, to ab bhai dekho इंडिया में तो क्या होता है कि इंडिया में हम लोग किसी भी को रिलीजन बिल्कुल ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकते। US में क्या होता है, US में इसका मतलब ये होता है कि भाई ना तो स्टेट रिलीजन के उसमें कुछ इंटरफेयर करेगा ना रिलीजन स्टेट के काम में इंटरफेयर करेगा, तो US में ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका अमेरिकन सेकुलरिज्म द इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर, मैंने आपको बताया था पहले भी डिफरेंस कि भाई स्टेट हमारा इंडियन स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब सोशल हारमोनी होती है तब उस समय कि भाई हमारा रीजन कहता है कि हम बच्चों को मार सकते हैं, तो भाई ऐसे में तो भाई इंडियन स्टेट को इंटरवेयर करना पड़ेगा क्योंकि भाई इसमें तो सोशल हार्मनी हो रही है।
The Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability. उन्होंने वर्क करा क्यों? क्योंकि उनको untouchability हटानी थी. In Indian secularism, through the state is not strictly separate from the religion, does not maintain a principal distance vis a religion. This means that their interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle. The Indian state is secular and works in the various way to prevent the religion domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on secular principles. However, it is not to say that there is no violation in these rights in the Indian society. Indeed, it is the precisely because such violation happens frequently, we need the constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge of the knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enables us to take action when violation takes place. तो इंडियन सेकुलर स्टेट जो है वो वर्क करता है वेरियस मेज में ताकि वो जो रिलीजियस है उनसे अलग रह सके. साथ ही साथ वो डिफरेंट क्यों ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि वो इंटरवेन भी करता है और साथ ही साथ वो दूर भी रहता है. तो यही सारी चीज़ें आपको ये 3-4 पैराग्राफ में बताई गई हैं. डायरेक्टली वी आर मूविंग अप टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ग्रॉसरी देख लेते हैं. सबसे पहली ग्रॉसरी है कॉरिएशन. तो कॉरिएशन का मतलब क्या होता है? द फोर्स इट रिफर्स टू द फोर्स यूज बाय लीगल अथॉरिटी लाइक अ स्टेट. यानी कि एक लीगल अथॉरिटी स्टेट जो पावर यूज करती है उसे कोर्शन कहते हैं. एंड फ्रीडम टू इंटरप्रेट का मतलब होता है इट रिफर्स टू पीपल्स ओन पीपल इट रिफर्स टू पर्सन लिबर्टी टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ लाइफ दैट डे मीनिंग ऑफ रिलीजन दैट डे प्रैक्टिस. उसके बाद ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो पर्सन की खुद डेवलप होती है कि भाई हाँ ये मेरा रिलीजन है मैं इसको ऐसे प्रैक्टिस करूँगा इसकी मीनिंग ये है मेरे हिसाब से वो फ्रीडम टू इंटरप्रेट कहते हैं. ना इंटरवेन का मतलब बताऊँ इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर मैटर इट सो इट रिफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डिंग टू द in accordance to the principles of constitution. In accordance with the principle of constitution यानी कि वो हमारा constitution states करता है उसके according हम लोग influence यानी कि अपनी power लगा रहे हैं किसी religious group में particular matter में जो भी आपका मामला है. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में. तो क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayers, gods, cards, sites and different kinds of religious music and singing etc. Does this indicate the freedom of religious group religious practice? तो आप देखो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर ये होगा that we found different types of religious practices that we different types of religious practices that we found in our neighborhood is are as follows. कैसी हैं? First the Hindu worship in the temple to the idols of god and goddesses यानी कि god और goddesses को practice करता है. Then Muslim worships in the mosque with the their sacred book is Quran. तो Muslim mosque में practice करता है और उनकी sacred book कौन सी है? Quran है. उसके बाद जो Christians हैं they worship Jesus Christ in the church और the Sikh person worship guru in gurudwara to the Guru Nanak during using Guru Granth Sahib. This shows that people in India have freedom to practice the religion of their choices and live together in peace and हारमोनी. यानी कि हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे इंडिया में कोई लोग कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से अच्छी तरह रह सकते हैं पीस एंड हारमोनी में. विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप दे सेड देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड. अगर उनका रिलीजन कहता है कि हाँ तुम बच्चों को मार सकते हो तो हाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी. गवर्नमेंट आएगी उसमें दखल देगी. क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट द गवर्नमेंट हैज़ राइट टू इंटरवीन इफ देयर इज अ थ्रेट टू द सोशल हारमोनी. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं चीज़ें ला रही हूँ लुक अप द एनुअल कैलेंडर में मैं जा रही हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन आप सबके लिए हैं. ठीक है, तो लुक एट द एनुअल कैलेंडर वाला क्वेश्चन में आपको कुछ हॉलीडेज बताने वगैरह वगैरह. तो अब देखो रिलीजन्स हमारे पास आते हैं हिंदू. हिंदू में क्या हॉलीडेज होती हैं? होली, दशहरा, दीपावली. उसके बाद रिलीजन आता है मुस्लिम. मुस्लिम में क्या हॉलीडेज होती हैं? ईद उल जुहा, ईद उल फितर. उसके बाद सिख में आते हैं, सिख में होते हैं गुरु ग्रंथ गुरु गोविंद
गुरु गोविंद सिंह जयंती और गुरु पर्व। उसके बाद मैं क्रिश्चियंस में आऊँ तो क्रिश्चियंस में आपका होता है क्रिसमस और गुड फ्राइडे और ईस्टर, ईस्टर भी होता है। ये क्या हमें शो करता है? ये हमें शो करता है कि इंडिया आपकी सेकुलर कंट्री है और जो भी इंडिविजुअल इंडिया में उसके पास राइट है कि वो अपना रिलीजियस फ्रीडम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए स्टूडेंट आता है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। तो हिंदू वर्शिप इन डिफरेंट आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। उसके बाद मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नीज। बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आर डिवाइडेड इनटू महायानास एंड हिनायास। और जैन्स आर सेव लंबारास एंड दिगंबरास। मतलब ये सारे मैंने आपको बताए हैं कि एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज जो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस दिस वंस अगेन इन द क्लास यूजिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर्स। जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट बोथ कीव्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एंड इंटरवेंस। सो अब देखो, इंडियन स्टेट बोथ कीव्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज इंटरवेन इन द रिलीजन। इफ द पर्सन विद मेजोरिटी ग्रुप्स गेट द स्टेट पावर, ही मे यूज हिज पावर टू डिस्क्रिमिनेट और प्रोसिक्यूट टू द पीपल ऑफ अदर रिलीजन। द मेजोरिटी मे इवन डिप्राइव द माइनॉरिटी प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया भी है कि अगर मेजोरिटी ग्रुप को पावर मिल गई तो डिस्क्रिमिनेट करेगा अदर रिलीजन ग्रुप के पीपल को, साथ ही साथ वो और जो उनकी रिलीजन में छोटी माइनॉरिटी है उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो 45 मिनट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।